हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कूमा एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 7 रुपए का ये शेयर है और हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और वाकई में ये वो खबर है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें ही शेयर को ऊपर और नीचे ले जाने का दम रखती है। स्कूमा एक्सपोर्ट में बहुत कुछ बढ़िया हुआ है अभी के वक्त में अगर हम देखें तो उसके बारे में वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्कूमा एक्सपोर्ट 7 रुपए का यह शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो एक महीने में 17% का ग्रोथ भी देखने को मिला है। 5.75 रुपए से शेयर उठकर 8 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए 4 जनवरी को ये शेयर 8 रुपए का था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस ये शेयर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से नीचे ही गिर रहा है और अभी 7 रुपए पर आ चुका है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में शेयर जहां था वहीं पर है, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा उठा पटक भी हमें देखने को मिली है। 7 रुपए के लेवल से टूट कर शेयर 3 रुपए तक आया, अच्छी खासी रिकवरी आई, 9.5 रुपए के आसपास पहुंचा, फिर गिरावट आई 5 रुपए तक पहुंचा, फिर तेजी आई 8 रुपए तक पहुंचा, अब वापस गिरावट आ रही है 7 रुपए तक ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन 3 साल में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही बड़े लेवल से शेयर टूटकर नीचे आया है, 41 रुपीज के लेवल से टूटकर ये शेयर नीचे आया है। और देखिए, बहुत ही कम वक्त में तेजी भी आई थी, 16 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 41 रुपीज तक पहुंचा था, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था उसमें कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर में इस कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी। कंपनी ने पिछले ये जो 2 क्वार्टर थे उसमें बढ़िया मुनाफा कमाया था, लेकिन उसके बाद इनका प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू हुआ और शेयर की प्राइस में भी इसका असर साफ साफ हमें देखने को मिला। 10 साल में अगर हम देखें तो 10 साल में ये वो शेयर है जिसका परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से है कि 347% का ग्रोथ है, 1 रुपए के ऊपर भी ट्रेड हुआ करता था, ऑलमोस्ट कुछ खास ये शेयर ट्रेड नहीं कर रहा था 2014 तक, लेकिन उसके बाद बढ़िया रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। छोटा सा शेयर है ये, 171 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर है, ट्रेडिंग कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर है। एनएसई में देखे तो मुश्किल से सिर्फ 9-9.5 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है और बीएसई में भी कुछ खास नहीं, लेकिन 2 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बात मैं आज करने जा रहा हूं वो है यहाँ पर इनके शेयर होल्डिंग को लेकर। प्रमोटर ने बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है, आप देखिए 58.07% की होल्डिंग 61.88% हो चुकी है, मतलब 3.81% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई है। प्रमोटर के द्वारा कितने शेयर्स खरीदे गए हैं तो देखिए, ये इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है, यहाँ पर जो प्रमोटर ग्रुप है स्कूमा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, उनके द्वारा 2.13 करोड़ शेयर्स खरीदे गए हैं, वो भी 6.25 रुपए के दाम पर, वो भी 9 जनवरी को, मतलब कल की ही बात है, कल ही इन्होंने इतने बड़े शेयर्स खरीदे हैं और ये कल की बात है, ठीक है, मतलब ये जो होल्डिंग है 61.88% उससे भी ज्यादा की होल्डिंग आपको मार्च में देखने को मिलेगी। प्रमोटर ने देखिए अक्टूबर महीने में और सितंबर महीने में बड़ी खरीदारी की है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर 23 को प्रमोटर के द्वारा 1 लाख शेयर खरीदे गए, फिर बाद में छोटी सी 20 क्वांटिटी थी, हालांकि वो निगलेक्टेबल है, लेकिन जून में अगर हम देखें कि जून 2020 की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो जून 2020 में प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स खरीदे गए हैं। उसके बाद अक्टूबर में अगर हम देखें तो अक्टूबर में प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 4.5 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स खरीदे गए थे, हालांकि वो बाद में बेचे भी गए हैं, लेकिन जो जनवरी में, मतलब आप खुद सोचिए कि प्रमोटर का दिसंबर की होल्डिंग 61.88% है, लेकिन आने वाले दिनों में ये होल्डिंग और बढ़ जाएगी। अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जनवरी में ये ट्रेड हुआ है, मतलब मार्च में जब बेटा अपडेट होगा तो ये होल्डिंग और बढ़ेगी, मतलब प्रमोटर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि प्रमोटर अपनी कंपनी में काफी ज्यादा अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर को जनरली पता रहता है कि भैया क्या होने वाला है आने वाले दिनों में और कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है।
यहाँ पर अगर आपको मैं एक और चीज दिखाऊँ तो जो इनकी टेक्निकल रेटिंग है वो शानदार है, तेजी के संकेत यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। उसके अलावा इनके जो परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज है, वो हालांकि डिक्रीज हुए हैं। दिसंबर 2019 में इनका जो रेवेन्यू था वो 915 करोड़ था, फिर वो डिक्रीज होकर 650 करोड़ के आसपास रहा, फिर डिक्रीज होकर तकरीबन 500 करोड़ के आसपास रहा, अभी सितंबर में मुश्किल से 235 करोड़ है, मतलब बहुत ही कम इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और इसका असर प्रॉफिट पर भी हुआ है डेफिनेटली। 6 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में था, फिर बाद में 3 करोड़ रहा, फिर बाद में 4 करोड़ रहा और अब 1 करोड़ है। लेकिन अगर इसने दिसंबर में अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर दिए तो डेफिनेटली इनके शेयर्स में आपको दोबारा से एक बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी। प्रमोटर बड़ा गेम यहाँ पर खेल रहे हैं, प्रमोटर क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं, और जब भी प्रमोटर अपने ही शेयर्स में बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं, मतलब डेफिनेटली शेयर में आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो बड़ा होना ही है। और ये बात कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात जग जाहिर है कि अगर प्रमोटर बड़ी खरीदारी करते हैं अपनी कंपनी में तो इसका मतलब साफ है कि डेफिनेटली प्रमोटर ऐसा कुछ जानते हैं अपनी कंपनी में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में जिसको हम सब मिस कर रहे हैं, या फिर हमको उसके बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि स्कूमा एक्सपोर्ट अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बेचने की गलती मत करना, बने रहना इसके साथ। और आप देख सकते हैं कि बड़े लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है, जब भी बड़ी गिरावट आई है दोबारा बड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया है, और हालांकि वक्त लगेगा इसको रिकवर करने में, लेकिन डेफिनेटली शेयर में रिकवरी देखने को मिल जाएगी। अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे कि देख सकते हैं कि जब भी कोई तेजी आई है यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई है, फिर तेजी आई है, फिर गिरावट आई है, फिर तेजी आई है, फिर गिरावट, दोबारा आपको एक बड़ी तेजी की तरफ ये शेयर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो स्कूमा एक्सपर्ट डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक डिसेंट कंपनी है, और अगर इसने अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर दिए तो डेफिनेटली एक बड़ी तेजी की तरफ ये दोबारा से भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा, वही तेजी जो आपको यहाँ पर 2018 में देखने को मिली थी। तो अगेन खरीदारी की है, बने रहे फ्रेश बाइंग पे, अगर आप करना चाहे तो जरूर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी और टुकड़ों में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 200 शेयर खरीदे, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी कभी भी खरीदने के लिए सलाह नहीं होगी, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी टुकड़ों में आप यहाँ पर चाहे तो खरीद सकते हैं। ट्रेंड जो है वो इसका धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्कूमा एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।